नगरी चौपत राजा ने सब माहौल है। भाइयों बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। परिवार का शक्ति प्रदर्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की रैली को शक्ति प्रदर्शन का नाम देना कितना सही है। तो आज के इस प्रोग्राम पर जरा ध्यान दीजिएगा। 2019 के चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब कांग्रेस ने किसी तरह की ग्रैंड रैली का आयोजन किया। कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गजों को एक मंच पर इकट्ठा किया। राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हारने के बाद पहली बार तल्ख तेवर में नजर आए। प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला। सोनिया गांधी भी बयानों के बाण चलाते नजर आई। लेकिन क्या ये राहुल को रिलॉन्च करने की और कांग्रेस को इस रैली से कितना रिवाइवल मिलेगा, इसकी एक कवायद मात्र थी। हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आइए इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। आज तो अंधेर नगरी चौपत राजा ने सब माहौल है। सियासी शोर की गूंज आज दिल्ली के रामलीला मैदान में सुनाई पड़ी। कांग्रेस का पूरा परिवार देश को बचाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर सरकार के खिलाफ दहाड़ लगाते नजर आए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए। कांग्रेस जीडीपी से लेकर महंगाई पर सवाल उठाती नजर आई। साथ ही मोदी है तो मुमकिन है को लेकर भी तीखा तंज कसा गया। आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, जीडीपी पाताल पर आकर आ गई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कार मोटरसाइकिल टीवी फ्रिज बिस्कुट कपड़े सब कारखानों का काम घट रहा है, छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है, एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बहनों और भाइयों की भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है, भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना, भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या, भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री, भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री, भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। प्रियंका ने एक तरफ सरकार को घेरा तो राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना लगाते हुए नजर आए। अपने भाषण और उस पर बीजेपी की तरफ से माफी की मांग के बहाने राहुल गांधी ने सावरकर पर भी सवाल उठाए। संसद के बाद अब सड़क पर भी राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो माफी नहीं मांगने वाले। साथ ही पीएम मोदी पर नोटबंदी के बहाने बयानों के बाण भी चला दिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया, चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया, और ये देखिए ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज।
200 रुपए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। आपको याद होगा 8 बजे रात को टीवी पर आए भाइयों और बहनों, 500 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कांग्रेस के इस हल्ला बोल में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बेरोजगारी पर सवालों के तीर चलाती हुई नजर आई। निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे और बयानों में देश के हालात का जिक्र था। आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है, पूरा देश पूछ रहा है सबका साथ सबका विकास। कहा है सबका साथ सबका विकास। अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहाँ चले गए? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी वह काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? रामलीला मैदान से कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई। अपने बयान को सावरकर के साथ राहुल गांधी को संबित पात्रा ने घेरा तो साथ ही राहुल गांधी का नामांकन भी कर दिया गया। ये मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया के साथ जो व्यक्ति कंपेयर करता है वो हर शर्म और हर लिहाज के रेखा को पार कर चुका है। इसलिए आज से भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष के नागरिक राहुल गांधी को नए नाम से पुकारेगी, राहुल थोड़ा शर्म कर। जब जब कांग्रेस सरकारें बनी केंद्र में, वो इंदिरा गांधी के सरकार, मनमोहन सिंह के सरकार, राहुल गांधी के सरकार, सब के सब डबल डिजिट इन्फ्लेशन दिए हैं इस देश को। इंदिरा गांधी के टाइम में तो 30% इन्फ्लेशन एक साल में, 25%, 30%, मतलब गरीब हटाओ के नाम पर झूठे दावे करने वाले कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और नेहरू से लेकर अब तक, ये सारे कांग्रेस सरकार महंगाई के लिए जाने जाते हैं। और हमारे सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में और 5 साल वाली अटल जी के सरकार में महंगाई का दर 5% से कम था। धारा 370 को समाप्त करने के ऐतिहासिक निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने क्यों विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे और देश के लोगों से माफी मांगे कि जो आतंकवादी कश्मीर में आतंकवाद करते हैं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी खुलकर क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे कि बालाकोट में भारत की सेना के ऐतिहासिक साहसिक कार्रवाई का सबूत क्यों मांगती थी? कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दे। कांग्रेस देश को बचाने निकली है तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर सवाल दाग रही है। किसका दामन साफ है ये तय करना जनता का काम है, लेकिन एक दूसरे के दामन पर दागों को तलाशने में दोनों ही पार्टियां माहिर जरूर नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो आज हमने देखा कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन करने के बाद कुछ सवाल जो हैं जहन में उठते हैं। R9 ये सवाल आप दर्शकों के सामने रखना चाहता है, गांधी परिवार के दावों में कितना दम है? जितनी भी बातें वहां से कही गई उसमें कितना दम है? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की तैयारी में है? क्या ये रिलॉन्चिंग एक तरह से थी राहुल गांधी की? इतनी तरह से भव्य रैली का जो आयोजन किया गया था, राहुल गांधी ने खुद को सावरकर से क्यों जोड़ा?
राहुल सावरकर नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है, ये कहने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे के मायने क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या आज की रैली ने कांग्रेस में जान फूकी है? क्या शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा? तमाम पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराऊंगी, बताऊंगी कि कौन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और ये सवाल भी हम पूछेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह के शक्ति प्रदर्शन की जरूरत कितनी ज्यादा थी कांग्रेस पार्टी को, और इससे कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले दिनों में होगा। इंट्रोड्यूस करवाती हूं, बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर रफी अता जो है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, क्योंकि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था और कह सकते हैं एक परिवार का शक्ति प्रदर्शन था, रिलॉन्चिंग एक तरह से ये भी सवाल उठ रहा, क्या ये रिलॉन्च करने की तैयारी है राहुल गांधी को? आज तो दो शब्द बनते हैं सर। देखिए, मैं जब ये 2019 का चुनाव हो रहा था तब भी मैंने बार बार ये कहा जा रहा था प्रियंका गांधी जी आएंगे, बड़े तूफान ला देंगे, ये कर देंगे। मैं बार बार लोगों से यही कह रहा था, केवल अमेठी और रायबरेली की सीट के लिए इतनी वो मेहनत कर रही हैं। राहुल गांधी जी वो अपनी मेहनत जो कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से लोगों को अपने जो उनके वर्कर हैं उनके साथ जुड़े रहें कि देखिए हम कुछ कर रहे हैं। बाकी उनका क्या, वो अर्थव्यवस्था बात कर रहे हैं, अगर चार बार वो अर्थव्यवस्था चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, वो केवल चार कॉन्टिन्यूस अर्थव्यवस्था बोल के दिखाते तो बोलने के उनके बस में नहीं है। रह गई बात, वो वीर सावरकर जी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सावरकर बनने के लिए काल कोठरी में 24 साल रहना पड़ता है, काला पानी सजा, वैसे नहीं है कि जैसे एसपीजी को जेड प्लस में हो तो मम्मी मम्मी चिल्लाने, उनके बस में नहीं है। राहुल जी के बस में जो है बस वो मेक इन इंडिया टू रेप इन इंडिया, यही सब बोल सकते हैं और इसी में देश का नाम बदनाम कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है। और ये सिर्फ राहुल जी को बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि कुछ उनका पॉलिटिकल आधार बचा रहे, क्योंकि जैसे अमेठी से वायनाड भाग के चले गए, वो विकास की बातें कर रहे हैं कि हमने क्या विकास किया। अरे मैं कह रहा हूँ अमेठी के चार विकास गिना के बता दें, चार रोजगार की बात बता दें। मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, मालविका इंडस्ट्रीज वहां पर लगी थी, स्टील फैक्ट्री थी वहां पर, वो स्टील फैक्ट्री जहां पर लोगों की जमीन ली गई थी उसमें यह कहा गया था जमीन लेने के बाद जिन लोगों की जमीन लेगी उनको नौकरी दी जाएगी, उनको तो नौकरी मिली नहीं, उनके जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला, लोग कोर्ट के दरवाजे खोल रहे हैं। उसके बाद में जो लोग वहां पे फैक्ट्री बंद हुई, ये सेल खरीदेगा, गेल खरीदेगा, ये सारा हुआ। जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई थी, मालविका इंडस्ट्रीज को सेल के हवाले किया जाता और उसको रिकंसीडर किया जाता है। ये कहते हैं शौचालय बनाना, अरे साहब निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, मैं सिर्फ एग्जांपल अमेठी का ले रहा हूं जहां पे 10 साल ये खुद एमपी रहे हैं और इनसे समर्थित सरकार प्रदेश के अंदर सरकार में रही है, ये निहालगढ़ रेलवे स्टेशन में मामूली से शौचालय नहीं बना पा रहे थे, वहां पे महिलाओं को पता चलता सुलभ कॉम्प्लेक्स में 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जब मोदी जी की मैं ये कह रहा हूं किसी की भी सरकार रही हो, आपको कम से कम बेसिक बुनियाद चीज, आप अकाउंट तक नहीं ओपन करा पाए थे लोगों के, कि आप अकाउंट ओपन कराने जाइए तो पता चलता उसी बैंक का आपको ब्रांच का उसमें लेके तब आपका अकाउंट ओपन होता था। आज घर घर अकाउंट ओपन, आप लोगों को स्वास्थ्य नहीं दे पाए थे, हेल्थ स्कीम नहीं दे पाए थे, आप तमाम चीजें कि हम ये किए 70 साल में आपने किया क्या? कम से कम एक मॉडल तो बता देते कि हमने ये डेवलप किया, आपने कुछ नहीं किया, केवल करप्शन का मॉडल। 10 लीडर उठा के देखिए गांधी फैमिली के, वो आज बेल पे, ये नहीं कि राजनीतिक मुद्दा उनके ऊपर है कि वो आंदोलन कर रहे थे इसलिए मुकदमा दर्ज है, ये कर रहे थे इसलिए, उनके ऊपर करप्शन के, इकोनॉमिकल करप्शन के चार्जेज हैं, सीरियस हैं चार्जेज, उस किसी पॉलिटिकल वेंडेटा से नहीं हुआ कि नेशनल हेराल्ड केस हुआ, तो नेशनल हेराल्ड केस पॉलिटिकल नहीं था कि उसने बीजेपी ने किया इन्होंने किया या कहीं आंदोलन करने जा रहे हैं। क्यों नहीं ये सकारात्मक आलोचना का मुद्दा क्यों नहीं उठा पाते हैं ये? नहीं, अब आपने इतनी बातें कही हैं, यहां हम तमाम गेस्ट से जब जाएंगे और पूछेंगे तो फिर पता चलेगा ये एक एक मुद्दे जो हैं वो निकलेंगे जरूर अनिरुद्ध जी, लेकिन यहां जरूर कहना चाहूंगी, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी सर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड नहीं होना चाहिए। अरे कम से कम दो शब्द यही कह देते कि चलिए ठीक है उनकी राजनीति है, वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से भव्य रैली का आयोजन किया, रिलॉन्च है, लेकिन आप तमाम उन मुद्दों को गिना दिए कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अगर नहीं किया तो अमेठी की जनता ने रास्ता दिखा दिया, आप नहीं करेंगे तो आपको भी जनता रास्ता दिखा देगी। लेकिन आज तो दो शब्द कह सकते थे कि कम से कम हिम्मत तो जुटाई कहने की, एक मंच पर आने की। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है आज, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है आज, क्या आज अर्थव्यवस्था मुद्दा नहीं है? 4.5 पहुंच चुकी
है अर्थव्यवस्था हमारी जीडीपी, क्या ये मुद्दा नहीं है? आपके तो मिनिस्टर कहते हैं, निशिकांत दुबे सांसद हैं, कहते हैं जीडीपी, ये होता क्या है? आने वाले समय में जीडीपी वगैरह ये सब मायने नहीं रखेगा, ये आपके सांसद का कहना है। मंत्री थे और उन्होंने अच्छी बात दिया था, 8.2 का दिया था, और जब मनमोहन सिंह जी ने हमको गवर्नमेंट टेक ओवर कराया, बिल्कुल पॉइंट उठाइए, बिल्कुल पॉइंट उठाइए अनुरुद्ध जी, लेकिन लेकिन विपक्ष को खत्म ही मत कर दीजिए, नकार मत दीजिए, राहुल खत्म और नकार मत दीजिए, अस्तित्व में विपक्ष रहेगा तभी पक्ष की बात सुनी भी जाएगी, विपक्ष का रहना भी जरूरी है, लोकतंत्र रहना जरूरी है, सुरती है विपक्ष रहे। मैं प्रेम कुमार विपक्ष को लेके प्रेम कुमार एक एक करके जिस तरीके से रफियता आऊंगी आपके पास, हालांकि सवाल का जवाब आपसे लेना चाहिए, लेकिन आज आपको मौका लास्ट में दूंगी क्योंकि आज आपके पास बोलने के लिए बहुत सारा कुछ है। प्रेम कुमार, जिस तरीके से अनुरोध जी कह रहे हैं कि आज दो शब्द नहीं बनते थे ये कहने के लिए कि चलिए देरी सही वो मुद्दे उठा रहे हैं और अच्छी बात है, लोकतंत्र में तो यही होना चाहिए ना, विपक्ष को भी तो अपना काम करना चाहिए, मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो बेवजह उठाया गया हो। नोटबंदी से हम लोग परेशान हुए, हमने देखा, और उसके बाद काला धन कितना कम हुआ ये भी देखा, नोटबंदी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, अगर उठाया तो क्या गलत उठाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये के लिए सुखद स्थिति है कि देश में उनको विपक्ष कमजोर मिला, बहुत बहुमत के साथ में ये सत्ता में है, सरकार में है, और पिछले ये दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी जब सवालात उठते हैं, विपक्ष जब सवाल उठाते हैं तो उन सवालों को एड्रेस करने के बजाय, उस पर जवाब देने के बजाय, उल्टे वो पिछले 6 साल से पहले की स्थितियों में जाकर के सवाल खड़े कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध जी भी वही कर रहे हैं, पूरा बीजेपी का रैंक एंड फाइल यही करता है कि वो सवालों का जवाब नहीं देते कि अगर जीडीपी कम हो रही है, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर किसान की स्थिति बिगड़ रही है, तो इनका वो सवाल, इनका जवाब लेकर के आए, वो एक भरोसा दे, एक रोड मैप दे कि हम इस इतने समय बाद हम इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, अभी ये स्थिति हम आने वाले समय में ठीक कर लेंगे, इस ये जवाब देने के बजाय ये पुरानी बातों पर चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है किसी सरकार की होती है कि उनके पास जवाब नहीं होता, तो वाकई ये एक ऐसी स्थिति है कि इनके पास जवाब नहीं है। एक रैली की जहां तक बात है तो विपक्ष के ख्याल से ये देखा जाए तो एक बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस अपने बूते पर, अपने दम पर इतनी बड़ी रैली दिल्ली में कर पाई है, ऐसा बहुत लंबे समय बाद हुआ है, तो ये कांग्रेस के लिए एक उपलब्धि है कि वो अपने आप को बटोरने की कोशिश कर रही है एक ऐसे दौर में जबकि उसका बुरा दौर चल रहा है। तो ये स्थिति है। ये निश्चित रूप से आपने जैसा कि परिवार का शक्ति प्रदर्शन भी जोड़ा है, इसका कुछ संबंध निश्चित रूप से होगा चूंकि दिसंबर में ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है और पार्टी में अभी तदर्थ व्यवस्था चल रही है, बार-बार बात भी उठ रही है, मांग भी उठ रही है कि राहुल गांधी सामने आए और फिर से कार्यभार अपना संभाले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं, बार बार यही कहा जा रहा है सर कि कांग्रेस पार्टी। सुनील कौशिक, जानना चाहूंगी क्या ये शक्ति प्रदर्शन जो हुआ है ये बहुत पहले नहीं होना चाहिए था, इसकी जरूरत थी कांग्रेस को रिवाइव होने के लिए भी, एक कहीं ना कहीं जनाधार जो घट रहा था कांग्रेस का, लेकिन हम देखें महाराष्ट्र के चुनाव में या हरियाणा के चुनाव में तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं खुद मान लिया था कि शायद वो जीत नहीं पाएंगे, अगर थोड़ा और जोर लगा देते तो नतीजा कुछ और होता। नहीं, बिल्कुल श्वेता ठीक कह रही हो आप, जिस तरीके से आज आक्रामकता राहुल गांधी की दिखी वो बहुत दिनों बाद, ऐसा लगा कि विपक्ष में कोई लीडरशिप है, और निश्चित तौर से विपक्ष की भाषा यही होनी चाहिए। यदि आप 2014 से पहले की बात देखेंगे तो यही जो मुद्दे आज राहुल गांधी ने उस रैली के मंच से उठाए हैं वो सारे मुद्दे बीजेपी के पास थे। महंगाई की बात कर लो, GST की बात कर लो, अन्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनकी बात कर लो, वो मोदी जी के स्पीच में दिखाई देता था, सुनाई पड़ता था, वो चीज़ें वो आज उठाई हैं, और निश्चित तौर से विपक्ष को जनता की आवाज़ बननी चाहिए, और जो आज भाषा राहुल गांधी ने जो यूज़ वहाँ की उस रैली में, निश्चित तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, और आगे जाकर के जो एक रणनीति बनाने की बात जो कही जा रही है कि निश्चित तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल नीचे चले गए हैं, जो उनकी इच्छा है वो मर चुकी हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको लीडरशिप की आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, 30 साल से ऊपर हो गए विपक्ष में है, प्रियंका गांधी को भी यहाँ प्रभारी बना के भेजा, महासचिव बनाया, फिर बहुत ज़्यादा जोश नहीं आ पाया जी। लेकिन जब तक जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं वो आप मंच से नहीं उठाएंगे, बार बार आप टारगेट करेंगे, और मैं आज बड़ा एक चीज़ से आहत हूँ कि राहुल गांधी ने मीडिया को भी टारगेट किया।
ये बहुत गलत है कि पैसे के बल पर मीडिया किसी के चेहरे दिखाती है। ये कांग्रेस ये तो को रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये तो यहां बैठे रफी अता मैं वही कांग्रेस के लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा, क्या सोनिया गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया था इस समय? क्या सारे चैनलों पर सारे अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर प्रियंका गांधी नहीं थी उस समय? क्या सोनभद्र प्रियंका गांधी गई तब सारे चैनलों पर नहीं थी? राहुल कांग्रेस कुछ करे तो सही। उन्नाव गई थी सर, उन्नाव गई तब सारे हैदराबाद नहीं गई। अगर इस पर सवाल उठाए जाएंगे कि हैदराबाद क्यों नहीं गई तो फिर आप चुप हो जाते हैं। मऊ और राजस्थान की बात कर लो तो हो जाएगा कि मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। सवाल यही उठता है कि आप अपने दामन के दाग बचाकर आप इस तरह से अगर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद स्ट्रेटजी बनाने में सफल साबित नहीं हो पा रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि करना कहां है। और बीजेपी, मुझे तो लगता है बीजेपी त्रुप का इक्का चलती है और आप उसके पीछे पीछे चल जाते हैं कि हमें आप ड्रैग होने लगते हैं। मैं जो फील कर पाती हूं वो यही है। आज जिस तरह के शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, वाकई में सुनते वक्त लग रहा था कि सोनिया गांधी, जो उम्र हो चुकी है और जिस तरह से सेहत का हवाला बार बार दिया जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, संजीव कौशिक, आज जिस तरीके से सोनिया गांधी बोल रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि एक मां फिर से कोशिश में जुटी हुई है देश की जनता को संघर्ष करने के लिए। वो बोल रही थी कि हमें संघर्ष करना होगा। वो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव चाहती थी राहुल गांधी से कि देश की जनता, और आने वाले दिनों में अगर ये बात उठे फिर से अध्यक्ष पद के लिए, तो राहुल गांधी की तस्वीर जो है वो देश के सामने साफ हो कि हाँ ये डिजर्विंग है और इन्हें मिलना चाहिए। देखिए, यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि सोनिया गांधी पहले से भी, आप इतिहास उठा के देखेंगी तो कई बार पार्टी जब बिखराव की स्थिति में या बहुत कमजोर हुई है, सोनिया गांधी वापस आई हैं और बड़े मजबूती के साथ कांग्रेस को उन्होंने संभाला है। लेकिन थोड़ा सा गौर ये करें कि पिछले 6 सालों में देश में राजनीति चल कैसी रही है। सत्ता की राजनीति जो है, लव जिहाद, घर वापसी, ट्रिपल तलाक, 370, कश्मीर ब्लॉकेज, NRC, कैब, आप इशारा देखिए कि क्या कर रही है सत्ता, सरकार क्या चाहती है कि हम किस मुद्दे पे हम चर्चा करें और किस मुद्दे पे हम अटके रहें। पहली बार मुझे लगा, जिस तरह से आज देखा हमने इस रैली में, मुझे पहली बार ऐसा लगा, हालांकि ये इतना से कुछ नहीं होने जाने को है, ये स्पीड यदि है तो इसे लगातार बरकरार रखने की जरूरत है, जो बनाए रखने की जरूरत है, तब सरकार पर आप दबाव डाल पाएंगी। केवल और केवल सरकार की नाकामियां एक नहीं, सैकड़ों है, जिसे आप सचमुच में यदि उठा के यदि आप सड़क पर लाके आंदोलन करना चाहें तो कई ऐसी खामियां हैं जिसको लेके आप सरकार को पछाड़ सकते हैं। और विपक्ष का रोल भी तो यही होता है सर। लेकिन ईमानदारी से ये जोश बनाए रखने की जरूरत है। अब सोनिया गांधी संभालती है या राहुल गांधी संभालते हैं ये बात की बात है, उस पर अभी चर्चा ना की जाए, अभी बहुत वक्त है। लेकिन फिलहाल जो कमियां हैं, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जिस तरह से बेरोजगारी सेक्टर नहीं, तो इस तरह के हालात में, इस तरह के हालात में अगर आपको भी अपना रोल मजबूत करना है और लोगों के बीच जाना है, तो हालात अगर सरकार के फेवर में नहीं है तो आपके तो फेवर में जाएंगे ना, कि आप जनता को जागरूक कर सकते हैं। रफीता क्या करेंगे इसके लिए? इतने दिनों बाद जागे हैं, लोकसभा का चुनाव कब का खत्म हो गया, अभी तक ये आत्ममंथन का दौर ही चल रहा था कि कम करें, आज ये रैली करना दौर आते हैं। मैं समझता हूं कि जब आप शुरू हो जाते हैं और जब से सरकार के ऊपर इस तरह के नहीं, तो यही तो ये तो रफीता बताएंगे ना सर, जनता भी साथ साथ है, जनता भी साथ साथ रहेगी, बस ईमानदारी से इसी जोश के साथ लगे रहने की। रफीता, ये जोश बरकरार रहेगा या बस एक दिन का जोश था, रैली की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी, फिर से बैठ गए और फिर अब हम वेट करते रहे, फिर हम कोसते रहे मीडिया को बैठकर कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गई है। बहुत आसान है सर। अरे सर, बुरा लगता है सर, मीडिया कर्मी हूँ, यही की रोजी रोटी है सर, रोजी रोटी है सर, हमारी रोजी रोटी है। इस पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो मैं सवाल उठाऊंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया के ऊपर भी सवाल तो मीडिया पे उठेंगे ही, सवाल मीडिया पे उठेंगे, लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। कांग्रेस के बारे में आप कह रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ना जोश पहले कम था ना आज कम है। जैसे कौशिक जी, संजीव जी ने कहा कि ये समय की बात होती है, इस वक्त जो समय पीछे 6 साल का पीरियड रहा है, देश में एक आवरण दे दिया गया कि वो हिंदुत्व का आवरण दे देगा, नकली राष्ट्रवाद का आवरण, उसे कुछ नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले भी जोश में था, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी जोश में है। जोश ही दिखाया सर। अरे नहीं 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 सर, ऐसा है श्वेता जी, अरे सर ऐसा आप ऐसा कह रहे हैं जैसे हम लोग पहले से खबर दिखा नहीं रहे थे, हम लोग खबर दिखा नहीं रहे थे। आपकी प्रियंका गांधी कब पहुंची? नहीं, आपकी प्रियंका गांधी कब पहुंची उन्नाव? सर सर दे दिया, बिल्कुल उसी में उसी लोगों ने वोट दे दिया। इसका मतलब जनता भावुक है,
जनता पागल है, जनता को समझती नहीं आती। तत्काल भावुक होती है, तत्काल भावुक होती है, हमेशा के लिए भावुक नहीं होती। 2019 जनता सही लाइन पे आ रही है। जनता सही लाइन पे सर रफिया, अभी तो जनता को जोड़ने की बात हो रही थी, ऐसे स्टेटमेंट देके उसको दूर मत कर दीजिए। रफिया प्लीज इस तरह के स्टेटमेंट देके जो छवि सुधार करने की कोशिश हो रही है उसे धूमिल मत कीजिए, आपके लिए नुकसान है। अनिरुद्ध जी बैठे हंसेंगे यहाँ पर, आप खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनता जो है अब ट्रैक पर आ रही है। मतलब जनता क्या पागल है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जनता को समझ में नहीं आता है? मतलब अब ट्रैक पर आ रही है, आपको वोट दे तो जनता ट्रैक पर, बीजेपी को वोट दे तो नहीं। अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र, आपने ये स्टेटमेंट दिया, अभी बोला आपने, बोला आपने, बोला सर मैं कोर्ट नहीं कर रही हूँ, आपने बोला आप जनता का झूठा आवरण, क्या बात है, जनता पार्टी का झूठा आवरण था तो जनता ने मान लिया उसको। अरे तो जनता समझने दीजिए ना जनता को, जनता ने वोट दिया, जनता को लोकतंत्र, जनता ट्रैक पर आ रही है का क्या मतलब है? अगर जनता को समझ में आएगा कि झूठा आवरण है तो ठीक है, ठीक है, बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है, जिसका रिपीट अब आ रहा है, जिसका बदल अब आ रहा है, जनता दोबारा अपने स्टेटमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखिए। दंगों के बाद कांग्रेस दोबारा पुनः लौट के आई तो आप समझेंगे कि 84 के दंगे हुए उसमें मोहर जनता ने लगा दी, इतनी इतना बड़ा कांड हुआ। अच्छा गुजरात के दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी आई है, इसके बावजूद सरकार, गुजरात के दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी आई है, सरकार आई, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी जो आई है वो गुजरात दंगों के बाद गुजरात के नाम पे आई है? स्वीकार किया जनता का एक वर्ग था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, भाई कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। राहुल लाल एक मिनट, चलिए राहुल लाल ये देखिए, मैं सिंपल रफियता के स्टेटमेंट को ही कोट करती हूं। ये जिस तरीके के स्टेटमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग की जरूरत अंदर पार्टी के ही लोगों को है कि आप क्या बोलते हैं, इसे कैसे दिखाया जाता है, बाद में मीडिया पर ये ठीकरा फोड़ दिया जाता है। राहुल लाल आप देखिए, आपके सामने बैठे ये बोल रहे हैं कि जनता, एक मिनट, आपने बोला जनता ट्रैक पर आने लगी है, मतलब जनता, जनता अगर बीजेपी को वोट करे तो पास और मीडिया दोषी हो जाता है। राहुल लाल क्या इस तरह स्टेटमेंट भी खतरनाक साबित नहीं होते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या बार बार जो राहुल गांधी चौकीदार चोर में जैसे उनको यूटर्न लेना पड़ा, या बार बार इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से छवि, एक तो आप कहीं है नहीं, विपक्ष के तौर पर आपका रोल दिख नहीं रहा, फिर इस तरह के स्टेटमेंट का तो ख्याल रखना चाहिए कि आप किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं अभी जिस तरह से बयान दे रहे थे ऐसे बयान की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जो रामलीला मैदान में जो बयान दिए गए वो बिल्कुल नपे तुले और सधे हुए बयान दिए गए। अच्छा लगा सर, वो अच्छा वो लगा। एक गंभीर मुद्दा था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका कैसी है। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस देर से जगी है, देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है, और उनको इसी मार्ग पे बने रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, देश में इसमें दो मामले बहुत गंभीर हैं। लेकिन सावरकर को जोड़कर आप क्या कहेंगे इसके पीछे का, इसके पीछे मैं, क्या मैं, चीज़ मैं, मैं, मैं एक एक चीज में कहूंगा सबसे पहले कि देखिए, दो चीज के नेता ने बोला नहीं सर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्या बात कर रहे रफिया था, सावरकर को जोड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा सावरकर को जोड़ने की, देश को जानना चाहिए ना। मैं दे रहा हूँ जवाब, फिर वही आप हिस्ट्री समझाने लगे, देश के लोग तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अनपढ़ दवा है। इसमें देश में दो समस्या गंभीर है, इसमें महिला सुरक्षा की समस्या काफी गंभीर है इस समय, जिसके ऊपर देश जो है कि जवाब चाहता है, और एक दूसरा है आर्थिक सुरक्षा। संयोग से ये दोनों मामले अत्यंत गंभीर है इस समय। जिस समय सरकार ये उठा रही है, कांग्रेस ने आर्थिक जो एक तरह से आर्थिक संकट की स्थिति जो देश में बनी हुई उसको काफी विलंब से उठाया, लेकिन उठाया है और इसको उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इस समय जो स्थितियां हैं, केवल जीडीपी के 4.5 के आंकड़े से हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए श्वेता जी, कि जीडीपी के मापदंडों को बदला गया था तब ये आंकड़े हैं, पहला चीज तो ये है। इस समय देखिए, 5 जुलाई को जब बजट उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वित्त मंत्री के द्वारा, हम लोगों का राजकोषीय घाटा को एक तरह से 31 मार्च तक के लिए घोषित किया गया था 7 लाख करोड़ के लिए, वो अभी ही वो क्रॉस कर चुका है, यानी अभी मार्च तक का समय बचा हुआ है। हमारे चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, उसमें सरकार को भारी कमी आ रही है। यहाँ पे जो निर्यात है, हम लोगों का निर्यात का दर माइनस चल रहा है। अभी इस समय जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट है, चूंकि 2014 में मेक इन इंडिया की बात की गई थी, मेक इन इंडिया का परिणाम आना चाहिए था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमारा माइनस में जा रहा है। काफी खतरनाक चीज है ये। कोर सेक्टर जो देश का 8 उद्योगों का सेक्टर होता है, उसमें अधिकांश माइनस में चल रहे हैं सबके सब। तो ये स्थिति ऐसी है कि अब यहां से ये एक बर्बादी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। समझने वाली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके जवाबों से बचती है, और वो कहती है कि हम लोग कहीं ना कहीं
अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसके कारण वैश्विक हैं। मैं खाली एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत करूंगा केवल, भारत में इस समय 50 वर्षों का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और अमेरिका में 50 वर्षों का सबसे ज्यादा रोजगार है। तो आप इसको अंतरराष्ट्रीय स्थितियों से नहीं ले सकते। जवाब लूंगा। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, उसकी स्थिति क्या है वहां पे? ये लोग अभी लगा रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल का 40% भारत में टेक्सटाइल बांग्लादेश का आ रहा है। तो ये तो आर्थिक सुरक्षा की स्थिति, महिला सुरक्षा के आंकड़ों से श्वेता जी आप बहुत भली भांति परिचित हैं कि देशभर में क्या स्थितियां बनी हुई हैं और उसको लेकर सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अगर ये सरकार नहीं, तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिससे जनता भी जानती है राहुल जी, और इनको उठाने की और इनको सही तरीके से, आपने सही कहा, जीडीपी के पैर मैं आने वाली थी कि राहुल गांधी ने आज जो मापदंड की बात की कि मापदंड बदल दिए गए इसीलिए 4.5 शो हो रही है, नहीं तो ये 2.5 रहती। इस पर मैं आऊंगी और तमाम पैनलिस्टों से राय भी लूंगी और अनिरुद्ध जी जवाब भी देंगे। लेकिन अरशद खान सपा के नेता और नावेद अयाज बसपा के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काइप से। तो सबसे पहले अरशद जी, आज कांग्रेस ने जिस तरीके से रैली की, कैसे देखते हैं आज तमाम मुद्दे उठाए गए, कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन किया गया, कैसे आप देखते हैं? चलिए, कांग्रेस पार्टी को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत दिनों के बाद एक बड़ी रैली किया और सही ढंग से अपने मुद्दे रखे उन्होंने। हकीकत यह है कि कांग्रेस अपने आप को पूरे मुल्क में पेश नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप सिर्फ विपक्ष की कमी निकालकर अपने आप को जनता में स्थापित नहीं कर सकते। अपने काम भी बताने होंगे कि आपने क्या किया है और आगे आपका क्या करना है। किसान आपसे क्यों नाराज हुआ, मुसलमान क्यों नाराज हुआ, दलित क्यों नाराज हुआ? तो बहुत सारे लोग जो वोटर थे कांग्रेस के, जो आंख बंद करके वोट देते थे, वो क्यों छिटक गए? अगर कांग्रेस इस पे मंथन करती तो शायद कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाती। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में लिया था, जिससे उनसे मुसलमान नाराज हुआ। फिर कल्याण सिंह को उन्होंने हटाया और सार्वजनिक रूप से मुसलमानों से माफी मांगी और फिर मुसलमानों ने पूरा वोट दिया और अखिलेश यादव जी की फिर सरकार बनी 2012 में। जयपुर में कांग्रेस का मंथन शिविर था 6-7 साल पहले, तो मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, माधवन जी को, पीएल पुनिया साहब को, राज बब्बर जी को, सबको मैसेज किया, इस मंथन में क्या कांग्रेस अपनी पिछली किसी की हुई गलती के लिए समाज से माफी मांगने के लिए तैयार है? अगर इन्होंने बड़े मन से माफी मांग लिया होता, 2-4 काम 90-95% काम अच्छे किए कांग्रेस ने देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए, लेकिन 2-4 गलतियां हुई हैं, होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। अगर उसके लिए बड़ा मन करके, मंथन करके माफी मांग लिया होता तो शायद कांग्रेस की सत्ता में, देश में वापसी हो गई होती। जिन्ना वाले बयान पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि माननीय सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी के सरनेम पर अब बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं कि माफी मांगू, मैं राहुल गांधी हूं। तब ताबड़तोड़ बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आए कि सरनेम उधार का है, राहुल को तो जिन्ना सरनेम ले लेना चाहिए। अब जिन्ना का जिन जो है वो निकल चुका है, क्या कहेंगे? बीजेपी की राजनीति नहीं चलती जिन्ना। नहीं, अरशद जी से पूछ लूं क्या सोचते हैं, अब जिन्ना को जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी से। जिन्ना का सर भाजपा के प्रेमी है ना, हिंदू महासभा के पुराने साथी के नक्शे कदम पर तो अमित शाह जी और मोदी जी चल रहे हैं। दो राष्ट्र की थ्योरी जो थी अमित शाह और मोदी जी के नाम में जिन्ना, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम की जो, मुस्लिमों को लेकर जो राजनीति, जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रही है उसे लेकर ये कटाक्ष आप मानते हैं अरशद खान? नहीं, राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान और काम नहीं जिसे उन्हें जिन्ना कहा जाए। जिन्ना के नक्शे कदम पर तो अमित शाह जी और मोदी जी चल रहे हैं। इनमें से दोनों के नाम में, किसी एक नाम में अगर जिन्ना शामिल कर दिया जाए तो दुनिया, मुल्क में कोई विरोध नहीं करेगा। ये जितना काम ले आ रहे हैं सब जिन्ना वाला ही ले आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद ले आए, सब समाज को तोड़ने वाला, देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी 6 साल से लगातार, ये चाहे जो ले आ रहे हैं। जवाब दीजिए, नागरिकता, दो प्राइम मिनिस्टर, अरे अनिरुद्ध जी आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो अब आप लगा रहे हैं, क्योंकि जिन्ना का जिन तो इन्होंने ही निकाला है। इनके दोनों प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाके आए हैं, इनके उप प्रधानमंत्री जो जिन्ना के मजार पे मत्था टेक के आए हैं,
अमित शाह और मोदी चलिए अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे सुन लीजिए अर्शद खान देश के 16-17 प्राइम मिनिस्टर में दो प्रधानमंत्री अर्शद खान आपने आपने जो बात कही कि जिन्ना के नक्शे कदम पर अमित शाह चल रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए देखिए अगर देश में सबसे बड़ा अगर बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे हुआ किसकी सरकार में किसने किया आदरणीय नेहरू जी ने किया जिन्ना को पैदा किसने किया नेहरू जी ने तो पैदा किया था किसी दूसरे ने पैदा किया क्या नेहरू जी इतिहास बदलोगे क्या अरे इतिहास इतिहास नहीं बदला जाएगा बदल गया इतिहास आप चुप बैठिए आप जब जब बोले हैं तब तक चुप रहा आर्थिक हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर आपकी आवाज इतनी लाउड है सर कोई कुछ नहीं सुन पाएगा प्लीज प्लीज रफियता आपको मौका मिलेगा उनको बात रखना नहीं आप मौका दीजिए अर्शद खान को जवाब दे रहे हैं नावेद आया से रिएक्शन लेना है मुझे मुझे नावेद आया से रिएक्शन लेना रफियता प्लीज 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 अनिरुद्ध जी बोलिए मैं नावेद आया के पास जाना चाहता हूँ बिल्कुल जी देखिए क्या है कि धर्म के आधार पर बंटवारा कब हुआ वो सबको पता है कि सबसे बड़ा धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ जेनोसाइड इनके यहाँ क्या कब हुआ 1984 सबसे बड़े झूठे आपके राहुल है पप्पू है आपके आपके पप्पू ये रैली यहाँ इसके लिए की गई ये रैली की गई दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ रहा है सच्चाई ये है कि शीला दीक्षित की डेथ हो चुकी है यहाँ कांग्रेस खत्म हो चुकी है इसलिए कांग्रेस का लाइव किया जा सके और झूठे और भगोड़े दिल्ली के दलाल आतंकियों के दलाल पप्पू है राहुल ये शब्द क्या शोभा देते हैं क्या राजनीति में इस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए अनिरुद्ध जी नहीं 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 ये कभी नहीं हो सकता सर ये तो खून के बदले खून वाली बात आप कर रहे हैं नावेद अयाज आप कांग्रेस की इस रैली को कैसे देखते हैं एक मिनट में रिएक्शन ले लूं बहुत देर से बैठे नावेद अयाज कांग्रेस की इस रैली को आप किस तरीके से देखते हैं जो आरोप अनिरुद्ध जी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मिनट रफियता लेट मी कंप्लीट जो आरोप अनिरुद्ध जी लगा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होने लगी थी दिल्ली विधानसभा का चुनाव है इसलिए इस तरह के रैली का आयोजन किया गया आप कैसे देखते हैं इस रैली को देखिए राजनीतिक पार्टियों में रैलियां होना रैली कामयाब होना ये तो सब एक मामूली बात है अभी 2019 का चुनाव निपटा गया राज्यों में चुनाव निपटे रैली इस वक्त देश जिन हालातों से गुजर रहा है और उन बातों पे करने की जरूरत है कि देश के साथ आखिर क्या हो रहा है कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो संविधान और भारत पे अपना अवैध कब्जा चाहती हैं संविधान को किनारे करके अपनी मनमर्जी से भारत को चलाना चाहती हैं मैं आपको बता दूं मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक आतंकी था उसका एक पूर्व जन्म क्योंकि वो पहले गुजराती था बाद में पाकिस्तानी हुआ है उसका पूर्व जन्म गुजरात में हुआ है उस मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म शाह के रूप में अमित शाह के रूप में गुजरात में हुआ है भारत के अंदर क्या पागलपन की बात कर रहे हैं आपको अकल है क्या बोल रहे हैं टीवी डिबेट पे आप चुप रहिए या रोहिंग्या को सर पे चढ़ा के बिठा दे क्या आतंकवादियों को लाके घर में बिठा दे आप ये बताइए के बारे में 2003 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा था उन्होंने ये कहा था गैर आप खुद अपनी बातों को हल्का करते हैं देखिए थोड़ा सोच समझ के बोलिए सर अरे थोड़ा सा सोच समझ के अरे आप कहां से बात कर रहे हैं सर सर ऐसे स्टेटमेंट देके पता है आप अपनी बातों को हल्का करते हैं सर देखिए हंसी आ रही है पैनलिस्ट जो भी बैठे यहाँ हंसने लगे आपके इस बात पे आप अपनी बातों को हल्का क्यों कर रहे हैं नावेद अयाज हल्का नहीं है क्या आप बात कर रहे हैं पुनर्जन्म हुआ है और ये हुआ है क्या बात कर रहे हैं पार्टी से निकाल दें आप सोचिए आप ये सोच लीजिए कि सीएबी के समर्थन में खड़ी है देखिए नावेद अयाज सिंपल सी बात है नावेद अयाज और अर्शद खान और नावेद अयाज एक मिनट ऐसे में डिबेट कंटिन्यू नहीं करूंगा एक मिनट नावेद अयाज मेरी बात सुन लीजिए आप जो मुद्दे उठा रहे हैं नावेद अयाज आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे और अर्शद खान पहले मैं आपसे ही रिएक्शन ये लूंगी मेरा सवाल सुन लीजिए कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ही जिन मुद्दों को उठाया है ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है देश पर इस पर चर्चा होनी चाहिए तो क्या एक मिनट मैं सवाल तो पुट कर लूं फिर होगा क्या बसपा सपा इस तरह के मुद्दों को लेकर आगे आएगी मेरा सवाल ये है आप अपनी पार्टी का तो बताएंगे ना सर
पहले सवाल तो सुन लीजिए, धीरज ही नहीं है आजकल। सुनाइए, मैं यही तो कह रही हूँ, धीरज तो हो चुका है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर बराबर संघर्ष कर रही है। अभी 19 तारीख को पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों के मसले पर और तमाम समस्याओं पर पूरे प्रदेश में हमारा धरना होने जा रहा है और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने इन 72 सालों में जो भी मुख्यमंत्री हुए उसने सबसे अच्छा काम किया है और अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे ही मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किया होता तो सत्ता से नहीं जाते सर। दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए कहीं ना जनता को नजरअंदाज जो आप लोग करते हैं ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन जनता ने अगर नकारा है तो कोई तो वजह होगी नकारा है तो कोई तो वजह होगी। आप सबको इनवाइट कर रहे हैं रेप करने के लिए और जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं, जनता को पागल बना रहे हैं। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, जनता को क्या देखिए यहाँ पे बैठ के इस तरह से डिस्कशन अलाउ नहीं करूंगी। मान लीजिए रफियता, क्या मैं चली जाऊं? आप कर लीजिए सर, होस्ट आप कर लीजिए, करेंगे, मैं चली जाऊं, मेरी जरूरत नहीं है सर। यही देश में हाल हो रहा है सर। इसीलिए वो आपको गुमराह करते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं, कोई बंदा नहीं समझ पा रहा है। प्रेम कुमार एक मिनट, नावेद आयाज आऊंगी आपके पास। प्रेम कुमार, ये देखिए जो मुद्दे हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो मुद्दे आऊंगी नावेद आयाज आऊंगी आपके पास। सबको वक्त देना होता है, सबको वक्त देना होता है। आ रही हूँ, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रेम कुमार, ये देखिए मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं देखिए गौण हो जाते हैं। जिन्ना का जिक्र हुआ, अब देखिए किस तरीके से रिएक्शन आया बसपा का। ये हम नहीं कह रहे हैं और हम जब ये दिखाएंगे ना तो बोला जाएगा कि मीडिया के ऊपर आ जाता है कि मीडिया ऐसे ऐसे कि कहां से बात उठती है, कहां चली जाती है। और जो देश के मुद्दे हैं वो गौण होते हैं। शायद बीजेपी यही चाहती भी हो कि चलो जो टॉपिक हम चाहते हैं उस पर चर्चा हो, और एजेंडा बीजेपी का यही रहता है, पूरी स्ट्रैटेजी रहती है कि जो वो मुद्दे दे उस पर बातचीत उसी पर हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, बिखराव भी है। कांग्रेस तो चलिए हम ले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, लेकिन छोटी पार्टियां सपा बसपा भी कह रही है इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन देखिए डाइवर्ट हो जाती है कि किस तरीके से मुद्दा क्या है, बात क्या कर रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। देखिए निश्चित रूप से अभी जो देश में माहौल है वो गंभीर बातों पर चर्चा न हो इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। कोई चाहता है तो उसकी चाहत पूरी कर रहे हैं दूसरे लोग, तो ये गंभीर बातों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, एक बात है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी हम लोग कांग्रेस की रैली पर बात कर रहे हैं, देखिए ये इस सरकार के फेल्योर को गिनाना एक जरूरत थी, जरूरत है, लेकिन उस फेल्योर को सिर्फ गिनाना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए काफी नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी को सोल्यूशन लेकर के आना होगा। उनके पास अगर 3 राज्य अभी हाल में उन्होंने जीते हैं तो उन राज्यों को उस हिसाब से बना करके दिखाना होगा कि देखो हम इस तरह चाहते हैं। अगर आप एक मॉडल के रूप में डेवलप करते हैं, वैकल्पिक राजनीति को पैदा करते हैं, अब तब उम्मीद पैदा होगी। अरे आपके 10 साल के यूपीए के कार्यकाल को जनता ने नकारा तब बीजेपी आई, अब बीजेपी से अगर 6 साल में जनता उब रही है तो उब करके अगर दूसरा विकल्प आप बनेंगे तब आपके साथ आएगी, अन्यथा अब ये भी और 5 साल ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और जो दूसरे दल हैं, दूसरे दल भी इसी तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इनको भी अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा में क्या हो गया या फिर दूसरे चुनाव हुए उसमें क्या हो गया, क्या उनके पास क्या राजनीतिक कार्यक्रम है? अरे ट्वीट से तो ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। क्या समाजवादी पार्टी का कहां फंक्शन दिखता है, बहुजन समाज पार्टी कहां एक्टिव दिखती है? पूरे देश में विपक्ष का यही हाल है। सिर्फ कांग्रेस को दोष देने से नहीं होगा कि जहां कहीं भी देश के जिस किसी हिस्से में भी रीजनल पार्टी में अगर लोगों ने देखा है कि बीजेपी का विकल्प हो सकता है तो जनता ने उसको मौका दिया।
किया। अरशद खान कह रहे प्रेम कुमार सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखती है, यही कह रहे हैं अरशद खान सर? कहाँ दिख रहा है? यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों को आगे आना चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए। टाइम दे रही हूँ तो डाइवर्ट कर देते हैं। राहुल लाल भी सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी पूछ ले फिर जवाब दीजिएगा। ये आवश्यक है कि कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरी अन्य छोटी छोटी घटक दल है उनको भी आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि सावन के अंधे सच्चाई को अगर आप इनकार नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपको अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है, चाहे वो बहुजन समाजवादी बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, आवश्यक है कि आप अपनी अपनी उपयोगिता साबित करें वर्तमान व्यवस्था में। हमारा ध्वज बचा हुआ है 2022 में, हम योगी जी की कुर्सी से उतार देंगे। अरे आप तो खुश हो जाइए ना अनिरुद्ध जी, आप तो खुश हो जाइए, आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाया, इससे आप खुशी मनाइए। कोई खड़ा नहीं हो पाया, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप जो चाह रहे वो काम तो हो रहा है, देखिए खुद में लड़ मर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, ये एक आज की विडंबना ही कहेंगे कि देखिए एक पार्टी जो है वो शक्ति प्रदर्शन करती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ तौर पर देने की कोशिश करती है कि ध्यान अगर भटकाया जा रहा है, जो राहुल गांधी ने कोट किया था कि मेरे बयान को तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सीएबी से ध्यान हटे, और उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन, अब इसको कंटिन्यू रखने की बात हो रही है, लेकिन खुद इनकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। एक रैली का आयोजन तो आपने कर दिया, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर बात करने की एग्जीक्यूशन करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी अभी तक बन नहीं पाई है जो फ्रूटफुल होती नजर आए कि किस तरीके से आप जीडीपी दिखाएंगे, क्योंकि जनता को जीडीपी समझ में नहीं आएगी, बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो उन चीजों को लाना होगा ग्राउंड लेवल पर। उन्नाव पहुंची प्रियंका गांधी, लेकिन उन्नाव में एक साल से वो पीड़िता जो है इधर उधर भटकाई जा रही थी, चार महीने तीन महीने लग गए तब एफआईआर लॉज हुई, उस समय क्या कार्यकर्ता उनके काम नहीं कर रहे थे वहां पर? क्या बताया नहीं जा सकता था कि इस तरह मदद की जरूरत है वहां पर, आपका खुद ग्राउंड मजबूत हो जाता? संजीव कौशिक, देखिए श्वेता, पिछले दो इलेक्शन की बात यदि हम कर लें तो जिस तरह से उसके जो रिजल्ट आए हैं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता की बात है, और जो रिजल्ट हैं वो दिखा रहा है कि जनता के अंदर कैसी छटपटाहट है। जनता के सामने यदि उचित समय पे विकल्प यदि दिखाया जाए तो निश्चित तौर पे जनता निकलना चाहती है इस कॉकस से। भारतीय जनता पार्टी केवल जो एक आवरण बना के पिछले चार पाँच छः सालों से जो लगातार इस तरह से शासन कर रही है, केवल केंद्र में नहीं हम राज्यों की भी बात कर ले तो अब हकीकत सामने आ रही है। बार बार ये जो कहने की कोशिश कर कौशिक जी कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है, अरे साहब जनता बेवकूफ़ नहीं होती है, जनता भोली होती है, जो चुनाव के ऐन वक्त पे आप उसके दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं और जो जरूरियात या जो सरोकारी मुद्दे होते हैं उसको आप कहीं और केंद्रित करके आप राष्ट्रवाद की बात करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान से खतरा दिखाना शुरू कर देते हैं, तो अब इस चीज़ को समझने की जरूरत है और जनता समझ चुकी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में यदि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो, जिस एकजुट होने की बात कर रहे हैं, अभी दोनों पार्टियों के लोगों को मैं सुन रहा था, यदि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख ली जाए, क्या इलेक्शन के वक्त ये दोनों पार्टियां एकजुट होकर के सरकार को चुनौती देने का काम की? निश्चित तौर पे नहीं, क्योंकि उस समय के जो हालात थे, उस समय के जो स्टेटमेंट थे, मुझे नहीं लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और ये दोनों तो जनता को भी दिख गया था कि आप जो एक दूसरे के खिलाफ थे या भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी कहां रहती है? आप सिर्फ और सिर्फ एक को रोकने के लिए किसी पार्टी को अपनी पार्टी की विचारधारा छोड़ देते तो इसे भी तो जनता देखती है। ये चीजें पहले से अगर ग्राउंड लेवल पे की जाती तो शायद एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता और तुरंत ही समझ लेने की जरूरत है कि यदि ये एक साथ एकजुट होकर के सत्ता सरकार को यदि नहीं टक्कर देते हैं, उनसे नहीं सवाल जवाब करते हैं, तो जैसे आज बिखरे हैं शायद इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में जाएंगे। सुनील कौशिक, आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या इस वक्त कांग्रेस को जरूरत है इस एनर्जी को बरकरार रखने की, इस रिवाइवल को बरकरार रखने की, और ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है जो आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक चुनौती देती नजर आएगी? निश्चित तौर से आगे इसको बरकरार रखने की जरूरत है श्वेता,
दूसरा, जब तक विपक्षी दल निश्चित तौर से सरकार को नहीं घेरेंगे और एक मंच पर नहीं आएंगे, हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ डिबेट चल रही है कि तीनों दलों की भाषाएं अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तब सपा बसपा के साथ कांग्रेस ने किस भाषा से बात की और गठबंधन नहीं किया वहां पे। वो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव विधानसभा के आए तो सपा बसपा ने कांग्रेस के साथ उसी भाषा में बात की, और तमाम मंचों पर देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि किस तरीके से हमारे साथ गठबंधन नहीं हुआ। और जब सरकार बनाने की बात आई वहां पर तो यही राजनीतिक दलों ने उसको समर्थन दिया कांग्रेस को, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, 370 पे लेकर के जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, एनसीपी को लेकर देखो वॉकआउट करके, अभी जाकर के कैब को लेकर देखो बसपा के दो लोग चले गए, एनसीपी के दो लोग चले गए, तो आप किसकी बात कर रहे हैं आखिर में? कहां खड़ा रहना चाहते हैं? सरकार के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ खड़ा रहना चाहते हैं कि बार बार छोटे छोटे फायदे के लिए आप सरकार का साथ देंगे? ये सोचने की बात है विपक्ष की। अरे अर्षद जी और नावेद, आपके दोनों विधायक बाहर चले गए, ये कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बैठे हैं, ये आपके बेहतरी के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन बेहतरी के लिए भी आजकल कुछ कहा जाता है तो आप लोग उल्टा उंगली दिखाने लगते हैं कि भाई हमें अपना काम मत समझाओ। थोड़ा सा तो धैर्य रखिए सर, सुन लीजिए कि कौन कह रहा है। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं, ये कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं। अनिरुद्ध जी, इनकी भाषा जो है वो बीजेपी प्रवक्ता जैसी ही है, सिर्फ विपक्ष पर उंगलियां नहीं उठानी है। अगर ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे हैं तो आपको बता तो रहे हैं सर, क्या गलत बोल रहे हैं? क्या आपको साथ आने की जरूरत नहीं है? भारत की वॉकआउट क्यों कर गए? अरे आपके भी चार सांसद वॉकआउट कर गए, भारतीय जनता पार्टी के भी नजर नहीं आ रहा है। अपने मुद्दों पे सदन पे खड़ी रही है, हम पराजित हुए हैं लेकिन संघर्ष हमने नहीं छोड़ा। आपके मुझे आपको बताने की जरूरत है, सीबीआई आपके पीछे लगी हुई है, आप सीबीआई कभी उधर घुसाती है, आपको कभी इधर घुमाती है, सीबीआई कभी उधर घुमाती है, आप जानकारी नहीं है। आप मायावती जी को समझाइए, उनका दिमाग ठीक कीजिए, उन्हें कोई अच्छी दवाई दिलाइए। आप पे जानकारी नहीं है, मायावती जी ने सीएबी का विरोध किया है। रफी अता, मुझे लगता है ना इस तरह के हल्के बयानों से बचना चाहिए। आप जब महिला के लिए बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सम्मान रखिए। लेकिन देखिए, आप कह जाते हैं और पार्टी की छवि खराब होती है, वजह यही है सर की उंगली उठती है, वजह यही है कि लगता है कि प्रियंका गांधी जब बोलती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो क्या वाकई में वो संवेदनशील है? नहीं, सुनील जी, ये एक मसला है और उस सांसद पे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक मिनट, मेरे पास वक्त रहता पूरी डिटेल दे देती, लेकिन सर एक देखिए, इस तरह शब्दों का इस्तेमाल, देखिए सर, शब्दों का इस्तेमाल, एक ने अगर कुछ गलत किया है तो गलत बोल के ये गलती है। एक महिला की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नेताओं को भी सोचना चाहिए जो वास्तव में इसकी हकदार हैं। आपने बताओ, रेप के मामले में गवर्नर से मिली आप, तमाम ट्वीट आपने किए, क्या आपने अपने संसद को बाहर किया? क्या आपने ये संसद में बैठ के आपके लोगों ने मांग की भाजपा के भी बैठ करके उनके साथ कमी है? मैं लास्ट कमेंट नहीं ले सकती हूँ, वक्त की कमी है अर्षद खान, नावेद अयाज, वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है, घड़ी इशारा कर रही है, चर्चा खत्म करने का वक्त हो चुका है। लेकिन आज जिस तरह से एक परिवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, और जिस तरह से कह सकते हैं यहाँ तमाम जो पैनलिस्ट बैठे, इवन सपा और बसपा की भी बात करेंगे, दोनों ने यही कहा कि कांग्रेस ने जो किया अच्छी बात है, इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था, इस बात की जरूरत थी, ये कांग्रेस पार्टी समझे कि देश की जनता इस जरूरत को महसूस कर रही थी और आपने किया। लेकिन अब ये एनर्जी कितनी मेंटेन रहेगी ये भी हम देखेंगे। हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए सर, हम जो होता है वो जरूर दिखाते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी मेंटेन रखिए, ग्राउंड लेवल पर काम कीजिए, अगर ऐसा तो जनता आपको वोट करेगी। और ऐसे एक बात आपको भी कहता जाता हूँ, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की एक भूमिका मीडिया भी निभाता है। आपने 6 साल सरकार से सुनवाई की है, आपने पर्दा खोलने लगूंगी ना, मुखौटे उतारने लगूंगी ना, तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुखौटे जिस दिन मीडिया उतारने पर आ जाए ना सर, तो तमाम जो है ना हमाम में नंगे नजर आएंगे। मुंह मत खुलवाइए सर, ये
मत बोलिए कि मीडिया गोदी मीडिया, हर कोई पत्रकार बिका हुआ नहीं होता। और मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ कि अगर मैं बैठी हूँ डिबेट में तो आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। मीडिया को टारगेट करना बंद कीजिए। आज सोनिया गांधी ने रैली की, उस रैली को भी मीडिया ने दिखाया। बार बार चौथे स्तंभ पर सवाल उठाएंगे ना सर, सवाल आपके और भी उठेंगे। तीन उंगली आपकी तरफ उठती है, तीन उंगली आपकी तरफ उठती है, याद रखिए रफीता। लेकिन आज जो भी प्रदर्शन हुआ, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करती हूँ, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं एंड करूंगी। आज जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन हुआ, इस तरह के शक्ति प्रदर्शन की पहले ही जरूरत थी, और विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। सब कोई देखना चाहता है कि विपक्ष जो है वो अपना रोल अदा करे, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभाए। यही पॉजिटिव नोट के साथ कि कांग्रेस शायद अपने रिवाइवल पर ध्यान दे और शायद एक मजबूत भूमिका में आने वाले दिनों में नजर आए। नमस्कार। आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है भाइयों।